तो आज हम बात करने जा रहे हैं उन स्टूडेंट के बारे में जिन स्टूडेंट ने मुझसे अप्लाई करवाया था, मेरी वीडियोस देखी थी, कहते थे कि हमारा बजट बहुत कम है, हम ऐसी कंट्री बताइए जहाँ पे हम फ्री में जा सकें या स्कॉलरशिप के जरिए जा सकें या पेड एजुकेशन में जाएँ बट पैसे नाम मात्र के लगे। तो पहला एडमिशन आया है जर्मनी से, बच्चे की प्रोफाइल है, बीटेक कर रखी है, 75% नंबर थे, आइल्स में 6.5 बैंड थे। इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, WWU यूनिवर्सिटी जो कि मस्टर जर्मनी में है, यहाँ पे अप्लाई किया। 4 महीने के अंदर बच्चे का एडमिशन आ गया, बिल्कुल फ्री स्टडी में जा रहे हैं। 2 साल की MSc मिली है जो कि कोई पैसे नहीं इनके लगेंगे, सिर्फ ब्लॉक अकाउंट का इनका खर्चा वो इनके जेब में ही रहेंगे। अगर इनका वीज़ा आता तो ये लेके चले 50 से लेकर 70 हज़ार तक इनका खर्चा आएगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट है जो कि हमारे एजेंट के जरिए केस आया था, हमने इनका अप्लाई किया था तो सब जगह इन्होंने पता भी किया था कि काफ़ी ज़्यादा फीसें लगती हैं, तो हमसे अप्लाई करवाया इन्होंने। तो बच्चे की फ़ीस आई 1500 यूरो जो कि टोटल मिला के अगर इनका वीज़ा आता तो ये लेके चलिए 2 लाख के आसपास या 2.5 लाख के पास इनका खर्चा आएगा। तो बच्चे का नाम है हरमनप्रीत कौर, तुर्की यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए इनकी प्रोफाइल क्या थी वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बच्चे के 6.5 बैंड थे और 12th में जो परसेंटेज थे 88% थे नॉन मेडिकल के साथ। बच्चे का इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया था, एंट्रेंस एग्जाम भी बहुत अच्छे दिया था, तो जिसकी वजह से बच्चे को स्कॉलरशिप मिली है 1500 यूरो के साथ। तो नेक्स्ट स्टूडेंट बिल्कुल सेम प्रोफाइल है, फ़र्क क्या है, बच्चे के पास बीटेक की एक मार्कशीट एक्स्ट्रा थी। तो बच्चे का अप्लाई किया, बच्चे को कंप्यूटर साइंस की पहले से नॉलेज थी, 6.5 बैंड थे और 70% नंबर थे। बच्चे का इंटरव्यू का फीस का भी अच्छा गया था। तो 6-6 महीने लगे बट इनका एडमिशन और वीज़ा 6-6 महीने लगे बट इनका एडमिशन आ गया है। तो जैसे इनका वीज़ा आएगा तो वो भी हम आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे। तो सेकंड जो प्रोफाइल है अजय कुमार नाम है इनका, तुर्की यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। इनकी जो फीस है टोटल मिला के 2000 यूरो आई जो कि स्कॉलरशिप उनको 80% मिली है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट है वो स्टूडेंट जिनके पास आइलेट्स नहीं थी पर पैसे भी नहीं थे इतने कि वहाँ पर फॉर्म में जाके अप्लाई कर सकें, ब्लॉक अकाउंट के पैसे नहीं थे, फंड भी इतने नहीं थे। तो उनका हमने ऐसी जगह अप्लाई किया था जहाँ पे इंटरव्यू भी ना आए एम्बेसी में और इनका एडमिशन भी आ जाए, पैसे भी नाम मात्र के लगे। तो इन्होंने अप्लाई किया तो इनकी जो फीस है 2.5 लाख के आसपास इनकी फीस आई। कल को इनका वीज़ा आता तो इनका भी 3 लाख के आसपास खर्चा आएगा। तो स्टूडेंट का नाम है अनूप, तो कंट्री है लाटविया जहाँ पर हमने अप्लाई किया था इनका। तो अगर इनका वीज़ा आता हम जरूर इनके साथ आपके साथ जरूर वार्तालाप करवाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कंट्रीज़ के बारे में आपको पता चलता रहे या यूनिवर्सिटी के बारे में पता चलता रहे, एडमिशन के बारे में पता चलता रहे, या कम बजट के अंदर जाना चाहते हैं या फ्री स्टडी प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी बहुत सारी अपडेट मैं लेकर आता रहता हूँ। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।